संसार में हर व्यक्ति कम या ज़्यादा कुछ ना कुछ कमाता ज़रूर है। कई बार उसकी ये संपत्ति भौतिकतावाद को आधार बनाकर नापी नहीं जा सकती, परोक्ष रूप से उस संपत्ति का जायज़ा भी नहीं लिया जा सकता। ऐसी ही संपत्ति अर्जित की है स्वामी सुंदरानंद ने। एक संत, एक घुमक्कड़, एक पर्वतारोही और एक फोटोग्राफर, स्वामी सुंदरानंद दुनिया घूमकर लोगों को ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताते हैं। स्वामी जी ने बहुत कुछ अर्जित किया, बस एक ऐसा शिष्य ना अर्जित कर पाए जो उनके ना रहने के बाद उनकी बनाई हुई संपत्ति की देखभाल करे। स्वामी सुंदरानंद ने अपने जीवन भर के यात्रा वृतांत को फोटोग्राफ्स के माध्यम से उकेरा है और इन फोटोज़ को सजोया गया है गंगोत्री स्थित तपोवनम हिरण्यगर्भ नामक एक आर्ट गैलरी। करोड़ों की लागत से बनी इस आर्ट गैलरी को स्वामी सुंदरानंद ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से कार्य कर रहे उत्तरांचल दैवीय आपदा पीड़ित सहायता समिति को सौंप दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि संघ की प्रेरणा से ये समिति भी लोक कल्याण के निश्चल भाव से ही कार्य करती है। तह जीवन स्वामी सुंदरानंद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसकी प्रेरणा से कार्य कर रहे संगठनों से काफ़ी प्रभावित रहे। उनके धाम पर अक्सर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं का प्रवास भी रहता आया है। इसी कारण उन्होंने इस आर्ट गैलरी को उत्तरांचल दैवीय आपदा पीड़ित सहायता समिति को दान देने का फैसला किया, क्योंकि सुंदरानंद जी के अनुसार ये संस्था ही इसकी सर्वोत्तम पात्र है। इस आर्ट गैलरी में अभी कुछ कार्य चल रहा है जो इसी वर्ष सितंबर तक पूरा हो जाएगा, और ऐसा माना जा रहा है इस गैलरी का उद्घाटन करने स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गंगोत्री पहुंचेंगे। इस आर्ट गैलरी में हिमालय की 1000 दुर्लभ तस्वीरों के अलावा करीब 1,00,000 फ़ोटो डिजिटल फॉर्मेट में मौजूद है। ट्रैकिंग और पर्वतारोहण के शौकीन बाबा ने सिर्फ गंगोत्री और गौमुख ग्लेशियर की ही 50,000 से ज़्यादा तस्वीरें खींची हैं। चोटियाँ, ट्रैक रूट, वन्य जीव, वनस्पति और पहाड़ की संस्कृति को दर्शाती तस्वीरें भी सुंदरानंद जी के कैमरे में कैद हैं। अविभाजित आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में स्थित अनंतपुरम गांव में वर्ष 1926 में जन्मे स्वामी सुंदरानंद को बचपन से ही पहाड़ लुभाते थे। 5 बहनों के अकेले भाई सुंदरानंद पढ़ाई के लिए अनंतपुरम, नल्लौर व चेन्नई जाने के बाद भी सिर्फ 4th कक्षा तक ही पढ़ पाए। वर्ष 1947 में उन्होंने घर छोड़ दिया और भुवनेश्वर, पुरी, वाराणसी और हरिद्वार होते वर्ष 1948 में गंगोत्री पहुँचे। यहाँ तपोवन बाबा के सानिध्य में रहने के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। इसका उल्लेख स्वामी सुंदरानंद ने अपनी आत्मकथा में भी किया है।